जन की बात हमारे साथ। लेकिन 13 अप्रैल आपको हाथ होगा, आपके जिला में कुछ कार्यक्रम हो रहा था, 13 अप्रैल का दिन था, वो दिखी चंद्रिका माता आपके पार्टी में ज्वाइनिंग करने के लिए शायद आपकी की अनुमति से गए थे और आप लोगों ने शायद ज्वाइन नहीं करवाया था। क्या हुआ? कायदत में धनंजय जी, आपने कल भी प्रखंड अध्यक्ष के स्तर पे जमुआ में बैठक हुई और बहुत सारी तैयारियां चल रही है कल को लेकर के, लेकिन इस पूरे कवायदत में जो पिछला प्रत्याशी आपकी रही है मंजू, डॉक्टर मंजू की, जो आपके प्रदेश की सर प्रवक्ता भी है, कांग्रेस में है दिल्ली से लेकर जमुआ तक। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, कभी कभी बकायदा आपका नाम आता है लोकसभा को लेकर के, कोडरमा लोकसभा को लेकर के, आप कुछ स्पष्ट करेंगे कि कोडरमा लोकसभा में शिरकत करने की आपका कुछ इच्छा है, कुछ तैयारी है? चुनावी आहट के साथ ही राजनीतिक दलों की हलचल शुरू हो गई। आइए, अभी तो बकायदा लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन मैं देखता हूँ कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा की तैयारी में भी पार्टियां लग गई है, गली गली झंडे बांधे जा रहे हैं, लोगों को अपनी उपलब्धियां बताई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो पहले नहीं हुआ वो इस बार होगा। कई उम्मीदवारों के चेहरे भी बदलने की कवायदत चल रही है और खास करके मैं झारखंड के कोडरमा लोकसभा की बात करता हूं तो लोकसभा कोडरमा में हलचल थोड़ी तेज है। आप सभी जानते हैं कि सत्तासीन राष्ट्रीय पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यहां शिरकत कर चुके हैं। यहां पे वसुंधरा राजे सिंधिया जो बीजेपी के कोर कमेटी में है वो भी शिरकत कर चुकी है और ये सारा कवायदे चल रहा है। ऐसे में दूसरी पार्टियां भी कमतर नहीं है। भाकपा माले जहां लोकसभा स्तरीय एक सभा यहां पे कर चुका है कार्यकर्ताओं का, वहीं जेएमएम भी भंडारों में लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम कर चुका है और अब कांग्रेस की बारी है। ये कांग्रेस का मंच सजा है और कांग्रेस के लोग यहां पे जुटे हुए हैं, जिला अध्यक्ष हैं, प्रखंड अध्यक्ष हैं और कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ लोग भी यहां पे जुटे हुए हैं। सभी हम सभी से बारी बारी से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन ये पूरी तैयारी आप देख रहे हैं कि चल रहा है, मंच बन रहे हैं और कल ही, क्योंकि इस मंच का उपयोग कल ही होना है, कल एक कदावर नेता जो जेवीएम के झंडे तले यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं विधायकी में, चंद्रिका माथा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो इस बार कांग्रेस का हाथ थामने वाले हैं और ये जो स्थल है ये मिर्जागंज खरड़िया गौशाला है जहाँ उसकी तैयारी चल रही है और कल प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के राजेश ठाकुर साहब और कांग्रेस के अन्य बड़े लीडरान यहाँ पे आएंगे और उसी के बीच में यहाँ पे जेबीएम के पूर्व विधायक चंद्रिका माथा कांग्रेस का हाथ थामेंगे, तो उसी की तैयारी के लेकर के यहाँ सभी लोग जुटे हुए हैं और हम सीधे रुख करते हैं जो जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के धनंजय सिंह जी। धनंजय, आपका स्वागत है, कैसे हैं आप? ठीक है, धन्यवाद आपको। कल क्या होना है जो यहाँ पे पूरी सजावट हो रही है आपकी? एक कांग्रेस का कार्यकर्ता का सम्मेलन है जिसमें हमारे प्रदेश के आदरणीय अध्यक्ष श्री राजेश ठाकुर जी और कार्यकारी अध्यक्ष शहजाद अनवर जी और जिले के प्रभारी कुमार गौरव जी का यहाँ पे आगमन होने जा रहा है और एक संगठन का ये काम है कि हर एक जाके अभी चूंकि ये चुनावी साल भी है और संगठन का जो पैमाना होता है कि कैसे इस कोर संगठन को मजबूत किया जाए, इसी कार्यक्रम में कल हमारे पूर्व विधायक जमुआ के जो हमारी सहयोग से वो कल जेवीएम से जीते भी थे विधायक बनके और उनका कल यहाँ पर एक पार्टी में शामिल होना का भी उनका एक यहाँ पे है और उसके अलावा कई पूर्व मुखिया, कई मुखिया भी जो पंचायत प्रतिनिधि जीते हुए हैं, कुछ विधानसभा के सदस्य भी, जिला परिषद सदस्य भी हैं। उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम बगोदर विधानसभा के बिरनी प्रखंड के केंद्रवा फुटबॉल ग्राउंड में भी चला। अच्छा, अपराह्न 2 बजे वहाँ भी कार्यक्रम है, वहाँ भी एक बहुत तेज तराज महिला जिला परिषद की वो भी वहाँ ज्वाइन करने वाली है, उनके साथ भी कई सहयोगी और समाज सेवी जुटे हैं। तो ये कार्यक्रम है कांग्रेस का कि बिरनी में भी एक कद्दावर जो जीप सदस्य रही हैं वो भी अपने पति के साथ कांग्रेस में विलय करेगी अपने को और यहाँ पे चंद्रिका माथा कांग्रेस का हाथ थामेंगे जैसा कि मैंने बताया। लेकिन 13 अप्रैल आपको हाथ होगा, आपके जिला में कुछ कार्यक्रम हो रहा था और 13 अप्रैल का दिन था, वो जो कि चंद्रिका माथा आपके पार्टी में ज्वाइनिंग करने के लिए शायद आप ही की अनुमति से गए थे और आप लोगों ने शायद ज्वाइन नहीं करवाया था, क्या वाक्य हुआ था? नहीं, उसमें सिर्फ कंफ्यूजन की बात है, ऐसी कुछ बात है, चूंकि एक्स एमएलए है राष्ट्रीय पार्टी, प्रोटोकॉल होता है उनका अप्रूवल ऐसी हम लोग को प्राप्त
नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम कार्यक्रम भारत जोड़ो यात्रा का पूरे देश में चली जा रही थी, तो हमारे परिवार महोदय भी इसी प्रदेश में घूम रहे थे, इसी कारण से उनका अप्रूवल नहीं हो पाया था। खैर बात भी बीत गई, अब भव्य तरीके से कल उनका यहाँ पे कल मतलब मुकम्मल है, मुकम्मल है, चूंकि एक हम लोग अभियान चला रहे हैं पार्टी की ओर से, या अब लौट चले, अब देर ना कर, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं है। चलिए, एक हम लोग का स्लोगन है पार्टी का। पूरे देश स्तर पे आपके ने जो नेता है राहुल जी, वो बड़े आक्रामक तरीके से भाजपा को जवाब देते हुए माइलेज ले रहे हैं। अभी भारत जोड़ो यात्रा और अन्य सर बहुत तरह के कार्यक्रम वो किए हैं, और ऐसा लगता है कि राहुल की जो छवि थी वो ब्रॉड एक राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित होने जा रही है। आप लोगों को कैसा लगता है? नहीं, बिल्कुल सभी कार्यकर्ता उत्साहित थे। उनके जो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने जो कश्मीर कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया था, सभी पूरे देश के कार्यकर्ताओं ने उनके साथ दिया था, और सभी कार्यकर्ताओं ने गांव में पंचायत में जहां जो थे कार्यकर्ता उत्साहित थे, और एक आह्वान जो है पूरे देश का पैमाना जो हिंदू मुस्लिम हो सिख ईसाई हो सब कांग्रेस की ओर निगाह के बैठी है, जिसका ताजा उदाहरण आप हिमाचल और कर्नाटक में अभी देख ले, और इसी साल 4 राज्य में चुनाव है, वहाँ पर भी नतीजे हम लोग को कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल जी का जो मेहनत है वो नजर आएगी। इस पूरे कवायदत में धनंजय जी, आपने कल भी प्रखंड अध्यक्ष के स्तर पे जमुआ में बैठक हुई और बहुत सारी तैयारियां चल रही है कल को लेकर के, लेकिन इस पूरे कवायदत में जो पिछला प्रत्याशी आपकी रही है मंजू, डॉक्टर मंजू जी, जो आपके प्रदेश के साथ प्रवक्ता भी है, वो कहीं नजर नहीं आ रही है। नहीं, एक्चुअली उससे कुछ ट्रीटमेंट था, वो दिल्ली गई, पिछले 10 दिन से वो दिल्ली में अच्छा, है। अच्छा। वो 10 दिन से हमारी बात हुई है उनसे, वो पिछले चुकी उनका ये प्रोग्राम 3 तारीख को उनके जाने का बात तय हुई है, वो ट्रीटमेंट में वहाँ गई हुई, ऐसी कोई बात नहीं। वो कल रहेंगी, वो आज उनसे हम बात हमारी होगी, बताएंगे। अच्छा अच्छा, तो कुछ नाराजगी तो नहीं है कांग्रेस के कुछ और जो चेहरे हैं जो मंजू के साथ हमेशा दिखाई पड़ते हैं, उनका भी मैं देख रहा हूं कि वो नदारद है आपके? नहीं नहीं, ऐसा किसी दिमाग होने वाली कोई बात नहीं, पार्टी में कोई भी खेमेबाजी नहीं है, इसको कोई खेमेबाजी, चंद्रिका स्वीकार है सभी को, नहीं पार्टी में जो भी स्वीकार की बात स्वीकार है, पार्टी को स्वीकार है, सबको स्वीकार है। कैसा लगता है कि इस गठबंधन का जो तालमेल है वो फिर ऊंट विधानसभा को लेकर, अभी लोकसभा की बात हम नहीं करते हैं, जमुआ विधानसभा का ऊंट कांग्रेस के ही पक्ष में करवट लेगा? नहीं, अभी वो बातें अभी दूर है, चूंकि अभी वो सभी हम लोग अधिकृत नहीं है बोलने को, कल प्रदेश अध्यक्ष जी आएंगे जी। अगर आप उचित समझेंगे उनसे बात करेंगे, हम लोग उसका अधिकृत, हम लोग को पार्टी का काम करना, सभी वर्क कार्यकर्ता पिछले 4 दिन से गांव गांव में घूम के अपना इस कार्यक्रम को हम लोग कैसे सफल बनाए, हम लोग सभी लोग लगे हुए हैं, आज भी हम यहाँ जो आपके समक्ष खड़े हुए, मैं 12 गाँव घूम के यहाँ पहुँचा हूँ। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, कभी कभी बकायदा आपका नाम आता है लोकसभा को लेकर के, कोडरमा लोकसभा को लेकर के, आप कुछ स्पष्ट करेंगे कि कोडरमा लोकसभा में शिरकत करने की आपका कुछ इच्छा है, कुछ तैयारी है? नहीं देखिए, मैं उतने उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ। अच्छा। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि पिछले 20 साल से ना पार्टी का यहाँ सांसद है, ना कोई विधायक है पार्टी का, फिर भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता इस जिले में पार्टी के साथ मजबूती से खड़े, आज भी मेरे कोई कार्यकर्ता ना इधर से ना उधर से गया है, और जहाँ तक चुनाव और उम्मीदवारी की बात है मैं उसके अधिकृत नहीं। अच्छा, चलिए, ये धनंजय सिंह थे जो जिनके फादर यहाँ पे हमेशा लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, और इनके प्रतिनिधित्व के बाद जो काल आया वो भाजपा वर्सेस जेबीएम का काल आया, यानी भाजपा वर्सेस बाबूलाल का काल आया, और फिर किसी और पार्टी ने यहाँ पे लोकसभा फतह नहीं किया है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि चंद्रिका माथा यहाँ पे विधायक रह चुके हैं 2009 में, और बाकायदा 3 बार यहाँ पे केदार हाजरा ही विधायक रहे, और इससे पहले राजद से बलदेव हाजरा और सीपीआई दोनों चीजों से वो 3 बार यहाँ पे विधायकी किए हैं। कैसा लग रहा है मंडू जी, आप तैयारी को देखने के लिए यहाँ पे आए हैं, भाजपा का जो लहर चल रहा है, भाजपा जो दावा कर रहा है कि 2024 में भी मोदी, क्या कहेंगे आप? लहर कहाँ दिख रहा है भाजपा का आपका? जी कहीं कहीं लहर नहीं है जी, सिर्फ मैंने झूठ का जो लोग है ना, झूठ के दीवार मैंने ज्यादा नहीं टिकने वाला है नहीं। यहाँ पर कांग्रेस देखिए हर जगह, अभी राहुल गांधी को देख करके हम लोग इंस्पायर हो रहे हैं, राहुल गांधी हर जगह, अभी मणिपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, मोदी जी एक बार देखने तक नहीं गए, यहाँ अपना मस्ती में दूसरा विदेश घूमते रहे या दिल्ली में अपना मस्ती करते रहे, लेकिन राहुल गांधी एकदम एक एक आदमी से एक एक पीड़ित से जाकर के मिले, तो राहुल गांधी एकदम जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, हम लोग तो कार्यकर्ता है, कांग्रेस के एक सिपाही है, हम लोग भी लगे हुए अपना क्षेत्र, राहुल को लेकर के उत्साह है, राहुल के क्रियाकलाप को लेकर के उत्साह है, चाहे मणिपुर का उनका भ्रमण हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा हो, चाहे ऐसे बहुत सारे क्रियाकलाप हो। हम बात करें अगर लोकल स्तर का, महसर जी प्रखंड अध्यक्ष हैं आप जमुआ के कांग्रेस के, आपको क्या लगता है कि आपकी सरकार आने से शासन और प्रशासन में क्या बदलाव दिख रहा है, जनता को क्या लाभ मिल रहा है? बिल्कुल, हमारी सरकार अगर केंद्र में आई तो मैं राज्य की बात कर रहा हूँ, राज्य में जो अभी है वो हमारी सरकार ठीक है। हाँ, तो क्या बदलाव दिख रहा है आपको पिछले सरकार से?
बहुत तरह के बदलाव है, मतलब जनहित के कई ऐसे कार्य हुए झारखंड में जो अभी बीजेपी की सरकार में नहीं हुए। अच्छा, जैसे नई नई बहालियां हो गई और वृद्धा पेंशन हो चाहे विधवा पेंशन हो, जिस तरह हमारी सरकार ने मजबूती से जिनका भी एज आयु 60 से ऊपर हुआ उनको एकदम गारंटी किया कि इनको पेंशन हम देंगे, चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी जाति समाज से रहने वाले हों, ये सब कुछ ऐसे कार्य हमारे सरकार में हुए जो पिछले बीजेपी की सरकार में नहीं हुए। सर, जन पेंशन योजना की बात कर रहे हैं महसर साहब, और सही बात है, ये बहुत अच्छी योजना है और सरकार कई ऐसी योजनाएं लाई है झारखंड की सरकार जो आम हित के लिए, वो जन हित के लिए। मनोज जी, आप देवरी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, देवरी संभाल रहे हैं आप, क्या तैयारी है कल की तैयारी? हमारा जो कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है, हमारा कांग्रेस का परंपरागत सीट रही जी, और यहाँ 1985 से हमारा कांग्रेस का विधायक नहीं बना है, तो इस बार कांग्रेस के कार्यकर्ता में बहुत ज्यादा उत्साह है। हम लोग जाते हैं गांव-गांव में तो कांग्रेस उत्साहित होकर कांग्रेस जन कहाँ चुक गए आपके 40,000 प्लस वोट ला करके हार की मुंह खानी पड़ी आपको? जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा लंबा गैप था हमारा 1985 के बाद 2019 तक का, बहुत लंबा एक गैप था जिसमें शायद हमारे कार्यकर्ता एकत्रित नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार वैसा चूक नहीं होगा, उस चूक से हम लोगों ने सीख लिया है और मजबूती से इस बार हम लोग 2024 मजबूती से फतह करेंगे। जमुआ विधानसभा सजिदा जी हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, बिसूत्री के सदस्य भी हैं जमुआ के। अब सजिदा जी, समन्वय का अभाव रहा, अनुभव की कमी रही कि पिछला विधानसभा आप अच्छे वोट ला करके 18,000 वोटों से हार गए, क्या रहा, क्या कारण रहा? हार करके भी हम जीते हैं। अच्छा, अगर जीत जाते ना तो अभी इतनी ये भव्यता नहीं, मिर्जा हार जो जाता है वही जीतता। चलिए, हार स्वीकार है सिंधिया जी को, और हम इसमें कहना चाहते हैं सरकार जो 9 साल की उपलब्धि अभी केंद्र सरकार जगह जगह चर्चा कर रही है, मैं इस मंच के माध्यम से या आपके चैनल के माध्यम से मैं केंद्र सरकार के अगुआ जो हैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि 9 साल में आप अपने सांसद और विधायक की उपलब्धि बताइए कि उन्होंने कितना संपत्ति अर्जित किया है। चलिए, ये सजिदा जी थे और हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है, हमारे बड़े भाई हैं। भैया, नया बदलाव आ रहा है आपके जमुआ विधानसभा में, किस नजरिए से देखते हैं इसको? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिल करके और सही रिपोर्ट, जमीनी रिपोर्ट आप उपलब्ध कर रहे हैं। मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाला समय कांग्रेसमय है। अच्छा, दिल्ली से लेकर जमुआ तक। अच्छा, अभी हम लोग तो जमुआ विधानसभा में घूम रहे हैं, बहुत सारे गांव गए हैं, देख रहे हैं लोगों में उत्साह जो देख रहे हैं, कांग्रेस के प्रति स्नेह प्रेम जो आम लोग दिखा रहे हैं, जो कल कांग्रेस के नाम से किनारे होते थे, कांग्रेस का झंडा को देख करके लोग दो को गाली दे देते थे, कारण क्या था वो बाद की बात है, आज वो जो है झंडा प्रेम से मांगता है और कहता है कि ये झंडा मेरा है, पुराना झंडा है, हम इस झंडा के नीचे बहुत पहले से हैं और आज भी हैं, कल भी रहेंगे और हम अपना प्रतिनिधि कांग्रेस का चुनेंगे। ये आम लोग, जनता के बीच की बात है, ये जनता इस बात को मान रहा है कि अब आने वाला समय कांग्रेस का है, आने वाला समय कांग्रेस का है, और ये उत्साह है कांग्रेसियों में, खास करके जमुआ विधानसभा में और बिरनी विधानसभा में, क्योंकि दो जगह नहीं, बिरनी विधानसभा नहीं। अब मैं अभी बगोदर विधानसभा से भी घूम करके आ रहा हूँ, वहाँ का भी उत्साह हमने जो देखा, इसे लगा कि जिला परिषद सदस्य वो इतना पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है, उनका वॉलेंटियर जब देख लेंगे आप, जिस उत्साह से लगा हुआ है, लग रहा था कि बस इनको टिकट मिला कि विजय प्राप्त। चलिए, ये पोजीशन अभी कांग्रेस का चल रहा है, ये उत्साह है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूं कि कांग्रेस के खेमे में नाराजगी है, कहीं कुछ खुश है तो कहीं कुछ नाराजगी भी है। अभी डॉक्टर मंजू का नहीं दिखना और उसके सहकर्मियों का नहीं दिखना एक सवाल खड़ा करता है कि कांग्रेस को समेटेंगे कैसे, और निश्चित रूप से वक्त हर जख्म का दवा होता है, हम इंतजार करेंगे कि आखिर ये जो जमुआ विधानसभा का ऊंट है वो किस करवट बैठता है, एंटी कंबेंसी का लाभ कांग्रेस को मिलता है या कांग्रेस फिर फतह करते करते पिछड़ती है, ये देखना भी लाजमी होगा। थैंक यू।